أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اطوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم शुक्र के जिसकी तौफीक से दरसे कुरान तालीम कुरान और तबलीग कुरान की इन बाबरकत घड़ियों में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि खालिक कायनात ये बरकत वाली घड़ियाँ हम सब के लिए निजात और बख्शिश का जरिया फरमाए। हम बाबरकत आज के दरसे कुरान का पहला हिस्सा वो गुज़श्ता दरसे कुरान के उन्वान से ही मुंसलिक है। इससे कबल आयत मुबारक में आपने समाअत किया कि अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़रिए मरने के बाद उठने को उनकी आंखों के सामने बतौर मुशाहदा मंजर कराया। सो आज भी उसी मुशाहदे की दोबारा ज़िक्र अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निस्बत से फरमा रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वाइस कादा इब्राहिम, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कई बातों ये मौत था या अल्लाह तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, अल्लाह ताला ने फरमाया अवलम तुमिन, क्या तुझे इस बात का यकीन नहीं है। याद रखना कि किसी भी चीज़ का जो इल्म होता है उसके तीन दर्जे होते हैं। एक इल्म यकीन होता है जो इंसान किसी न्यूज़ से खबर से हासिल करता है कि आपने खबर सुनी बात सुनी और आपको उस चीज़ के बारे में इल्म आ गया। दूसरा होता है कि ऐनुल यकीन, कि आप जो है आंख से देखते हैं और उस चीज़ के बारे में आपको यकीन होता है। तीसरा होता है हक्कुल यकीन, कि जब आप उस चीज़ का मुशाहदा करते हैं और वो चीज़ आप क्लियर देख लेते हैं तो उससे जो इल्म आता है उसको हक्कुल यकीन कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बारी ताला मैं अपने इत्मीनान कल्ब के लिए मुझे यकीन है कि तू दोबारा जिंदा करेगा, मेरे इस बात पे ईमान है मानता हूँ। और इस सवाल की वजह भी ये बनी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सफर कर रहे थे तो दौरान सफर आपने एक मुर्दा खच्चर को देखा कि जिसकी हड्डियां अलग हुई पड़ी थी और गोश्त उसका दरिंदे परिंदे डोल चुके थे, तो आपने उसको देखकर ये सवाल किया बारी ताला कि तू इसे कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने इस सवाल का जवाब प्रैक्टिकली और अमली तौर पर करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खुज अरबअतन मिन अत्तैर, कि तुम चार परिंदे पकड़ो फसुरहुमा इलैक, उनको अपने साथ रखो मानूस करो अपने साथ खिलाओ पिलाओ उनकी खिदमत करो। और अल्लाह ने फरमाया कि फिर उन चार परिंदों को ज़िबह करो और उनके टुकड़े मुख्तलिफ जगहों पर फेंक दो और फिर उन परिंदों को बुलाओ, वो कीमा किए हुए ज़िबा किए हुए टुकड़े किए हुए परिंदे वो तुम्हारे पास दोबारा जिंदा होके पेश हो जाएंगे। तो जिस तरह मैं इन ज़िबा शुदा कीमा शुदा जानवरों को दोबारा जिंदा करके दिखा रहा हूँ, इसी तरह कयामत के दिन दोबारा इंसानों को उठा के अपनी बारगाह में खड़ा करूँगा।
तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चार परिंदों का इंतखाब किया, उसमें एक मोर था, एक कौवा था, एक जो है अपना कबूतर था, और चौथा परिंदा मुर्गा था। ये चार परिंदे, मोर, मुर्गा, कौवा और कबूतर, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पकड़े, और इनके पकड़ने की वजह ये थी, यानी अल्लाह की इसमें हिकमत ये थी कि जो मोर है वो हुस्न की अलामत होता है, कौवा वो हिर्स और लालच की अलामत होता है, खटियापन की अलामत होता है, और जो मुर्गा है वो हमला करके खाने का आदि होता है, और कबूतर में सबर की आदत होती है, वो देख के गौर खोज करके खाता है। तो इन चार परिंदों को पकड़ने की और इनको जिबा करवा के दिखाने की ये हिकमत थी कि मोर जो हुस्न की अलामत है उसमें इंसान को दर्श है कि हुस्न की इस रंगीनी में खोकर नहीं, हुस्न के पीछे लग के नहीं, और हुस्न को सब कुछ समझ के नहीं, बल्कि हुस्न हकीकी का ताले बनकर इस वक्ती रंगीन दुनिया के हुस्न को आजी समझ के अल्लाह के हकीकी और उसकी मोहब्बत के हकीकी हुस्न के ताले बन के जिंदगी गुजारो। इसी तरह कब्बे में जो है वो अपना हमला करने का मामला है तो वो बुरी आदत है, इसी तरह मुर्गा है तो उसमें भी जो है झपट कर खाने का मामला है, घटियापन है। तो इन सिफात को रद्द करते हुए अल्लाह ताला ने इनका इंतखाब किया कि इंसान ये समझे कि ये चीजें मेरी बारगाह में जो है एक टके के बराबर भी इनकी वैल्यू नहीं है, इनके पीछे अगर कोई लगा हुआ है तो इन ख्वाहिशात को जिबा करके खालिसतन अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के रास्ते पे चले तो अल्लाह ताला उसके लिए सारे रास्ते आसान फरमा देता है। जिस तरह कुरान मजीद में दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे रास्तों पे चल पड़ता है अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसके लिए रास्ते आसान कर देता हूँ। इसी तरह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि वस्तु इस्म रब्बिक व तबत्तल इलैहि तब्दीला, कि अल्लाह को ऐसे याद करो कि तुम उसकी मोहब्बत में अपने आप को भी बुला दो। दुनिया तो दुनिया, तबत्तल का मतलब है दुनिया से अलग होकर, और तब्दील का मतलब है अपने आप से भी अलग होकर अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे फना होके उसकी मोहब्बत में आओ कि तुम्हें अपनी खबर भी ना रहे। तो यहां पर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने दोबारा इन चार परिंदों को जिंदा किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुलाया, वो उड़ते हुए आ गए। तो ये मंजर अल्लाह ताला ने दिखाया कि जिस तरह परिंदों के जिबा करने के बाद, कीमा होने के बाद, उनके टुकड़ों को अलग अलग करने के बाद मैं इनको दोबारा जिंदा करने में कादिर हूँ, इसी तरह ज़ाते इंसान को भी मरने के बाद दोबारा उठाने पे कादिर हूँ, इसको उठाया जाएगा। कुरान कहते हैं कि सुम्मा तुवफ्फून अजूरकुम, फिर तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या शर किया, क्या खैर किया, इसके बारे में तुम्हें सारा बता दिया जाएगा। उसके बाद अगली आयत में अल्लाह ताला ने अपनी राह में खर्च करने वालों की एक बड़ी कमाल मिसाल बयान फरमाई, फरमाया मसलुल लजीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जो माल खर्च करते हैं, कमासल हब्बतिन नबतत सबा सनाब, उनकी मिसाल उस दाने की तरह है कि जिससे सात खुश निकलते हैं, सात डालियां निकलती हैं। फरमाया फी कुल सुबुलतिन मियतु हब्बा, और हर डाली में सौ सौ दाना होता है, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है इससे भी दो गुना ज्यादा सवाब अता फरमा देता है। लेकिन नेकी एक होती है, लेकिन उस नेकी के करने के तरीके अलग हैं, उसके दर्जे अलग हैं, और फिर उनका सवाब भी अलग अलग है। मिसाल के तौर पर एक बंदा करोड़पति, एक बंदा करोड़पति है, उसके दरवाजे पे कोई फकीर आके रोटी मांगता है, वो करोड़पति बंदा उसको दो रोटियां दे देता है, करोड़पति है और दो रोटियां उसने उस फकीर को दे दी। इसी तरह एक वो बंदा है कि जो करोड़पति नहीं है, लाखपति नहीं है, वो सिर्फ अपने घर का रोजी रोटी और राशन पूरा करने वाला है, उसके दरवाजे पे भी जब कोई आता है तो वो बंदा भी उस मांगने वाले को दो रोटियां देता है।
अरे करोड़पति वाले ने भी दो रोटियां दी, जो अपनी रोटी मुश्किल से पूरी कर रहा है उसने भी दो रोटियां दी। अब फर्क है ना, करोड़पति वाले ने भी और जो अपना रोजी रोटी पूरा करते हैं उसने भी। इसी तरह एक वो बंदा है कि जिसके पास है ही टोटल दो रोटी, जिसके पास है ही टोटल दो रोटी, उसके पास भी मांगने वाला आ जाता है तो वो अपनी सारी दुनिया उस मांगने वाले पे लौटा देता है, सारी दुनिया मांगने वाले पे लौटा देता है। अब जिस तरह यहां पर करोड़पति है, अपनी जरूरत के मुताबिक पूरा करने वाला है और दो रोटियों वाला, अब जिस तरह यहां पे दी तो सबने दो दो रोटियां है, दी सबने दो दो रोटियां है, लेकिन उनके रुतबे दर्जे मर्तबे अलग अलग है, तो जिस तरह उनके दर्जे अलग अलग है इसी तरह फिर अल्लाह उनके लिए सवाब भी अलग अलग अता फरमाता है। वो जो करोड़पति वाला है उसके लिए एक से दस गुना, और जिसने अपनी जरूरत के मुताबिक किया उसको अल्लाह ताला भी एक से बढ़कर 700 गुना तक, और जिसने बेहिसाब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया अल्लाह फिर उसके लिए 700 नहीं दो गुना नहीं बल्कि जो अल्लाह की राह में बेहिसाब खर्च करने का मामला करता है अल्लाह उसको देते हुए भी फिर बेहिसाब अता फरमाता है। तो ये अल्लाह की राह में खर्च करना, नेकी करना, उसका सवाब एक से लेकर 700 गुना तक, या युदाइफु लिमनशा जिसके लिए चाहता है डबल कर देता है, इसका मामला खर्च करने वाले के दर्जे के एतबार से होगा। लेकिन कोई भी नेकी, और ये जरूरी नहीं है कि भाई अल्लाह की राह में सिर्फ रुपया पैसा ही खर्च करना तो उसकी नेकी नहीं, बल्कि और भी कोई नेकी आप करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी नियत के मुताबिक, आपके स्टेटस और दर्जे के मुताबिक आपको सवाब अता करता है। जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जो मेरे सहाबा हैं अगर वो एक मुट्ठी के बराबर जो खर्च करें, मुट्ठी के बराबर, और फरमाया तुम ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करो तो अल्लाह मुट्ठी बराबर जो खर्च करने वालों को सवाब ज्यादा अता करता है। वो क्यों? सहाबे की नाम जो है वो दिल के एतबार से, नियत के एतबार से, ईमान के एतबार से खलूस के उस दर्जे पर है कि रसूल के सहाबा के अलावा कोई अपने ईमान का मुकाबला उनके साथ नहीं कर सकता। वो नियत के एतबार से, खलूस के एतबार से इस दर्जे पे है कि अल्लाह ताला उनकी थोड़ी नेकी को ज्यादा सवाब अता फरमाता है। तो जैसे जैसे बंदे मोमिन की नियत, उसका इरादा नेकी के लिए खालिस होता चला जाता है, सुथरा होता चला जाता है, अल्लाह उस एतबार से उसको सवाब अता फरमाता है। जिस तरह की हदीस मुबारक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नियतुल मुमिन खैरु मिन अमली, के बाज़ों का इंसान की जो नियत होती है वो उसके अमल से भी ज्यादा बेहतर होती है, कि जितना उसकी नियत में सुथरापन आता जाएगा अल्लाह ताला भी उस हिसाब से उसको अजर भी ज्यादा अता फरमाता जाएगा। मेराज की रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा कि कुछ लोग हैं एक फसल काटते हैं, अभी उसका बीज और उसका फल इकट्ठा नहीं होता कि पीछे से फसल फिर तैयार हो जाती है, फिर वो काटते हैं उसका जो फल है वो अभी इकट्ठा नहीं करते कि फसल पीछे से फिर तैयार हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा या बारी ताला ये कौन लोग हैं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया ऐ मेरे नबी ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो खलूस नियत के साथ मेरी राह में खर्च करने वाले थे, मेरी राह में खर्च करने वाले थे। तो अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला आज के दरसे कुरान की इन आयात से दो चीजें, जिनमें से एक ये कि अपना मरने के बाद उठने पर हमें कामिल यकीन रखने और अल्लाह की राह में जो है खलूस नियत के साथ खर्च करते रहने की तौफीक अता फरमाए। वाकई दावतान अल्हम्दुलिल्लाह اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب العالمين وصلى على محمد وعلى ال محمد وصلى على محمد وعلى ال محمد